नमस्कार, मेरा नाम रश्मि आहूजा है और मैं विलियम ऑस्लर हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड डायटिशियन और डायबिटीज डायटिशियन एजुकेटर का काम करती हूँ। आज इस सेशन में मेरे साथ राधिका भी शामिल हैं और हम चर्चा करेंगे कि स्वस्थ आहार कैसे हमारे खून में शक्कर को नियंत्रण करने में मदद करता है। अब राधिका अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राधिका है और मैं क्रेडिट वैली फैमिली हेल्थ टीम में डायबिटिक डायटेटिक एजुकेटर का काम कर रही हूँ। आइए हम देखते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं, शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती है। अगर शक्कर की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम हो तो अस्वस्थता अनुभव होती है। यह अनियंत्रित स्थिति अनेक छोटे या बड़े रोगों को उत्पन्न कर देती है। मधुमेह के नियंत्रण में भोजन का गहरा प्रभाव रहता है। हमारे खाने व पीने में पोषक तत्व खून में मिलकर वहां शक्कर की मात्रा पर प्रभाव डालते हैं। आइए हम देखते हैं कि स्वस्थ आहार डायबिटीज के साथ कैसे खाएं। पौष्टिक भोजन मधुमेह को नियंत्रित रखने में बहुत सहायक है। क्या, कब और कैसे खाना व पीना है, इसकी जानकारी खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखने में मदद करेगी। पोषण बहुत व्यक्तिगत होती है। अनेक वस्तुएं हमारी आदतों, विकल्पों और भोजन की पसंद पर असर डालती है। अगर आपने शरीर और स्थिति को लेकर आपके कोई भी निजी प्रश्न हैं, तो आपके स्वास्थ्य प्रदाता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी रश्मि हमको बताएगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है। धन्यवाद राधिका। चलिए अब देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं या मैक्रो पोषक तत्व कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में ये हम कहेंगे तीन तरह के होते हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कहते हैं। हम इनको अलग अलग एक एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें तीन तरह से प्राप्त होते हैं, शुगर्स, स्टार्चेस, फाइबर। अगर हम शुगर्स की बात करें तो शुगर्स हमें मिलती हैं चीनी से, शहद से, गुड़, शक्कर, दूध की बनी हुई चीजें, दूध से, फलों से और फलों से बनी हुई चीजों से। स्टार्चेस की अगर हम बात करें तो स्टार्चेस हमें मिलती है अनाज से, जैसे आटा, गेहूं, बाजरा, ब्रेड, रोटी, पास्ता, किनुआ। स्टार्चेस हमें आलू, शकरकंदी और मक्के से भी मिलती है। अब अगर हम फाइबर देखें कहाँ से मिलता है, तो फाइबर मुख्य रूप से हमें सब्जियों से और अनाज से, साबुत अनाज से मिलता है, जिसे हम चोकर भी कहते हैं। जब हम आटा छानते हैं तो जो ऊपर रह जाता है चोकर, उसे फाइबर कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है ध्यान रखने की कि फाइबर हमारे खून की शक्कर में प्रभाव नहीं डालती है। शुगर्स और स्टार्चेस जो हैं, वो हमारे खून की शक्कर पे सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हम शुगर्स और स्टार्चेस कितना खाएं और किस प्रकार का खाएं। चलिए अब प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मांस, मछली, अंडा, पनीर, चीज, दालों से, बीन से, सोए से, जैसे कि टोफू, एडमामी और टेम्पर से मिलता है। तो प्रोटीन हमारे खून की शक्कर पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फैट्स और वसा की, जिसे हम हिंदी में वसा कहते हैं। तो वसा में मोस्टली आपको मिलता है तेलों से, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव, कनोला ऑयल, नारियल का तेल होता है। वसा आपको मिलता है मक्खन से भी, घी से भी और मार्जरीन से भी। तो यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वसा भी हमारे खून की शक्कर पर प्रभाव नहीं डालते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम कितना भी वसा खा सकें, क्योंकि ज्यादा वसा खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। अब हमें राधिका समझाएंगी कि हमें इन सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
और हम सारे भोजन को संतुलित किस प्रकार से बनाएं, कब, कैसे और कितना खाना खाना है। तो राधिका आप हमें बताएंगे। जी जरूर। तो रश्मि ने हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में काफी अच्छा बताया और हम अब देखेंगे कि ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे स्वस्थ हिस्से में खा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक प्लेट पड़ी है और आपकी आधी प्लेट बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरेंगे, एक चौथाई प्लेट निम्न वसा वाले प्रोटीन से भरेंगे और बाकी चौथाई प्लेट स्टार्च से भरेंगे। और रश्मि ने बताया था कि स्टार्च और शुगर से आपकी खून का शक्कर बढ़ा सकता है, ये स्टार्च और शक्कर आपका खून का शक्कर को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप अभी पूरी प्लेट चावल खाते हैं तो उसे अब तीन चौथाई कर दें और धीरे धीरे एक चौथाई पर ले आएं। ऐसे करने से आपका खून का शक्कर अच्छी लेवल पे होगी। अभी रश्मि हमको बताएगी स्वस्थ भोजन की रणनीतियां। धन्यवाद राधिका। तो अभी हमने समझा कि हमारा भोजन किस प्रकार से संतुलित होना चाहिए। अब जानते हैं कुछ और रणनीतियां जिससे कि हम खून में अपनी शक्कर को नियंत्रित रख सकते हैं। तो अपना लक्ष्य रखें, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना लक्ष्य रखें कि प्रतिदिन तीन समय भोजन करें जो कि 4 से 6 घंटे के अंतराय में हो। अगर आपका भोजन 6 घंटे से ज्यादा के अंतर पर होता है तो बीच में हल्के नाश्ता जरूर लें और प्रयास करें कि हर समय पौष्टिक आहार ही लें। कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे राधिका ने हमें बताया कि हमारी आधी प्लेट नॉन स्टार्ची या बिना स्टार्च की सब्जियां होनी चाहिए, जैसे कि भिंडी, खीरा, टमाटर, पालक, करेला, गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, घिया, तुरई, साग, टिंडा आदि। इन सब सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और कैलोरीज कम होती हैं। जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने की ये है कि जो आधी प्लेट आप सब्जी खाएंगे उसमें कम से कम 2 तरह की सब्जियां जरूर शामिल करें। जैसे कि आप आधी प्लेट में से आधी जो कि आपकी 1/4 प्लेट बनेगी आप पकी हुई सब्जी खा सकते हैं बिना आलू के, और बाकी की 1/4 प्लेट आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से ये सब्जी नहीं पकाई उस भोजन के समय तो आप पूरी आधी प्लेट सलाद भी खा सकते हैं, पर कोशिश करें कि कम से कम 2 तरह की सब्जी उस सलाद में जरूर शामिल करें। उसके बाद हमें राधिका ने बताया कि 1/4 प्लेट हमारी निम्न वसा वाले प्रोटीन होने चाहिए। तो निम्न वाले वसा वाले प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मछली, मुर्गा, दुबला मांस, कम वसा वाले पनीर या अंडे जैसे दुबले पशु प्रोटीन। अगर आप किसी वजह से मांस, मछली नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो आप पौधे आधारित प्रोटीन जैसे कि दालें, बीन्स, नट्स, नट बटर, सोए के चीजें जैसे टोफू, टेम्पर, एडमामी बीन्स को शामिल करें प्रोटीन के रूप में। उसके बाद हमें राधिका ने बताया था कि हमारी 1/4 प्लेट में स्टार्च या अन्न होना चाहिए, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, आलू या शक्करकंद। कोशिश करें कि अपनी प्लेट का 1/4 भाग ही स्टार्चेस या अन्न से रखें, क्योंकि इससे अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका खून की शक्कर बढ़ भी सकती है। अगर हम तेलों की बात करें तो कोशिश करें कि अपने भोजन में पौधे और बीजों से निकले हुए तेल जैसे कि ऑलिव ऑयल शामिल करें, कनोला करें, तिल ऑयल भी कर सकते हैं, सरसों का तेल भी कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप पशु वसा इस्तेमाल करें जो कि मक्खन और घी से मिलता है, या फिर नारियल का तेल जिसे ट्रॉपिकल तेल कहते हैं जो कि हृदय पे भारी पड़ सकते हैं। उसके बाद अपना भोजन पूरा करने के लिए कम वसा वाला दही और फलों का एक टुकड़ा जरूर जोड़ें। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि अगर हमने 3 समय भोजन खाना है तो किस प्रकार से खाना है। हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे सुबह के नाश्ते के, दोपहर के खाने के और रात के खाने के। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो हम सुबह के नाश्ते की अगर बात करें तो यहाँ 2 तरह के उदाहरण दिए गए हैं, उत्तर भारतीय पसंद के हिसाब से और दक्षिण भारतीय पसंद के हिसाब से।
अगर आप उत्तर भारतीय खाना पसंद करते हैं तो आप स्टार्च के रूप में 2 टुकड़े पूर्ण बीज वाली ब्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पूर्ण बीज का अर्थ हुआ होल ग्रेन ब्रेड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसमें कि फाइबर ज्यादा होता है। और हमने शुरू में सीखा था कि फाइबर अगर हमारे खाने में ज्यादा होता है तो हमारी शक्कर खून में अच्छे से नियंत्रित रहती है। अगर आपको ब्रेड खाना सुबह पसंद नहीं है तो आप 2 रोटी भी ले सकते हैं। प्रोटीन के रूप में आप मूंगफली का मक्खन ले सकते हैं। अगर मूंगफली का मक्खन नहीं पसंद करते तो आप बादाम का मक्खन ले सकते हैं। कभी कभी चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं, या फिर 2 अंडे की सफेदी। अगर आप मूंगफली का मक्खन लेना पसंद करते हैं तो उसे 2 टेबलस्पून तक ही रखिए। अगर सुबह के नाश्ते के समय आपको चाय पसंद है तो आप चाय ले सकते हैं बिना चीनी की, जिसमें कि आधा कप निम्न वसा वाला दूध डाल सकते हैं। चाहे तो साथ में निम्न वसा वाली 1/3 कप दही भी ले सकते हैं। जब हम निम्न वसा का दूध या दही की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा दूध या दही 1-2% से कम वसा वाला होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारतीय पसंद की खाने की। अगर आप दक्षिण भारतीय खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें 2 मध्यम इडली ले सकते हैं, जिसमें स्टार्च भी है और प्रोटीन भी है। साथ में चाहे तो 2 टेबलस्पून सब्जी की चटनी ले सकते हैं। फिर से अगर दूध चाय लेना चाहे तो आधा कप दूध से बनी बिना चीनी की चाय ले सकते हैं। चाहे तो साथ में 1/3 कप दही भी ले सकते हैं। चलिए अब दोपहर के खाने के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। फिर से अगर आप उत्तर भारतीय पसंद खाना करते हैं तो अपने दोपहर के खाने में 2 पूर्ण गेहूं की रोटी 6 इंच की बनी हुई ले सकते हैं। पूर्ण गेहूं की रोटी का अर्थ ये हुआ कि जिस रोटी में फाइबर है, इसमें चोकर है और आपने निकाला नहीं है। उसके साथ में प्रोटीन के रूप में आप पनीर की सब्जी ले सकते हैं बिना आलू के, जो कि 1/4 कप या 60 ml हो सकती है। साथ में आप चाहें तो 3/4 कप दही भी ले सकते हैं और आधी प्लेट हरा सलाद ले सकते हैं। जो सलाद में अगर आपको ड्रेसिंग डालना पसंद करते हैं तो उसे 1 टीस्पून तक रखें। अगर आपको दोपहर के खाने के साथ चाय अच्छी लगती है या कॉफी अच्छी लगती है लेनी, तो कोशिश करें कि वो बिना चीनी की हो और बिना दूध की हो। और अगर आप बिना दूध के नहीं पसंद करते तो अपनी दही की बजाय आप चाय में दूध डाल सकते हैं अपना संतुलन बनाए रखने के लिए। अब दक्षिण भारतीय पसंद का अगर उदाहरण लेते हैं तो लंच में आप दोपहर के खाने में आप पोंगल ले सकते हैं, जो पकने के बाद 3/4 कप होगा। प्रोटीन के रूप में आप निम्न वसा वाला मुर्गा ले सकते हैं 60 ग्राम तक। साथ में चाहे तो 3/4 कप दही ले सकते हैं, सब्जी की चटनी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि हरा सलाद जरूर मिलाएं आधी प्लेट, और चाहे तो एक फल भी ले सकते हैं और पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। अभी हम बात करते हैं रात के खाने की। अगर उत्तर भारतीय पसंद खाना पसंद करते हैं आप, तो आप अगर चाहें तो रोटी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था 2 रोटी 6 इंच की। अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो आप 2/3 कप पकने के बाद चावल ले सकते हैं। और चावल का कोशिश करें कि भूरे चावल लें, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। दूसरा, उसके साथ में प्रोटीन के रूप में आप दाल ले सकते हैं 1/2 कप, और साथ में मछली भी ले सकते हैं 30 ग्राम। अगर आप किसी वजह से मांस या मछली नहीं खाते हैं या नहीं बनी है तो आप दाल अपनी 1 कप कर सकते हैं। साथ में सब्जी तो जैसे हमने पहले बात किया बहुत जरूरी है, तो आधी प्लेट हरा सलाद जरूर लें, साथ में बिना आलू की सब्जी लें। सब्जी आपकी जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। दही भी ले सकते हैं, यहाँ पर 1/2 कप दही ले, और एक फल, और साथ में पानी ले पीने के लिए। अगर आप दक्षिण भारतीय पसंद का खाना पसंद करते हैं तो अपने रात के खाने में चावल ले सकते हैं, वही 2/3 कप, जो कि 2 रोटी के बराबर होता है या 2 ब्रेड के बराबर होता है। तो ये 2/3 कप जैसे पहले हमने बात किया पकने के बाद की मात्रा है। साथ में प्रोटीन के रूप में सांबर ले सकते हैं 1 कप, और साथ में टोफू भी ले सकते हैं 30 ग्राम। सब्जी याद रखिए जरूर लेनी है, आधी प्लेट सब्जी, चाहे सलाद के रूप में लें या पका के लें या दोनों मिला के लें, पर सब्जी लें जरूर। साथ में एक फल लें और पीने के लिए पानी का चयन करें।
अभी ये हमारा हो गया, हमें भोजन किस तरह से करना चाहिए तीनों समय का। अब राधिका हमें समझाएंगी कि अगर किसी वजह से हमें स्नैक लेना है या नाश्ता लेना है खाने के बीच में, तो हमें किस समय लेना है, किस प्रकार का लेना है और कैसा लेना है। नाश्ता या स्नैक्स कैसे लेंगे? नाश्ते की तभी जरूरत होती है तब भोजन की बीच का अंतर 6 घंटे से ज्यादा हो। अगर आपकी रात के सोते समय की खून की शक्कर की मात्रा 7 मिलीमोल पर लीटर हो, अगर आपने बहुत जल्दी रात्रि का खाना खा लिया है तब सोते समय कुछ छोटा नाश्ता कर सकते हैं। हमेशा प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही खाएं। तो थोड़ी कुछ उदाहरण देखें हम। एक उदाहरण, मुट्ठी भर मूंगफली फल के साथ। तो यहाँ पे मूंगफली आपका प्रोटीन है और फल आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको मूंगफली पसंद नहीं है तो अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और जो भी नट्स बिना नमक वाला फल के साथ आप ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण, 1 कप निम्न वसा दूध जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन साथ में मिला हुआ है। और तीसरा उदाहरण, 1/2 कप बुना चना जिसमें भी दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। ऐसे जब भी आप नाश्ता या स्नैक्स लेना पसंद कर रहे हैं तो आप जरूर ख्याल रख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन साथ में लें। और अभी हम देख लिया कि कैसा खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। और शरीर के लिए व्यायाम भी बहुत जरूरी है। डायबिटीज कनाडा का सुझाव है लगभग 150 मिनट मध्यम से तीव्र गति का व्यायाम प्रति सप्ताह करना चाहिए। इसमें आप उदाहरण ऐसे है कि आप पैदल जा सकते हैं, ट्रेडमिल पे जा सकते हैं या साइकिलिंग या स्विमिंग जा सकते हैं। सप्ताह में 2 बार शक्ति प्रतिरोध व्यायाम करना भी जरूरी है। इसके लिए आप वेट्स कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैंड्स कर सकते हैं या योगा भी कर सकते हैं। अभी रश्मि हमको बताएगी कि प्रेरित कैसे रह सकते हैं। ओके, अभी हमने सारा समझ लिया कि हमें खाना किस प्रकार संतुलित रूप में खाना चाहिए, व्यायाम कैसे करना चाहिए। अभी हम उन बातों पे ध्यान डालते हैं जो कि हमें हर समय ध्यान रखनी है कि हमारी शक्कर जो है खून में नियंत्रित में रहे। तो सबसे पहली और जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें कि नियमित रूप से आपने 3 समय भोजन करना है 4 से 6 घंटे के अंतराय पर। ध्यान रखें आपका भोजन जैसे राधिका ने समझाया प्लेट मॉडल के आधार पर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोषण होगा पूर्ण रूप से होगा और आपके खून की शक्कर नियमित रहेगी। जब आप घर से निकलें तब पौष्टिक नाश्ता अपने साथ जरूर लेके जाएं। कुछ उदाहरण राधिका ने अभी पीछे बात की थी कि पौष्टिक नाश्ता कैसे होता है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो। ये इसलिए जरूरी होता है कि जिससे भोजन के बीच का अंतराय ज्यादा लंबा ना हो सके और हमें ज्यादा भूख ना लगे। ये बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने की है कि चीनी और चीनी से बने पदार्थ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाई आदि का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये आपके खून की शक्कर को बढ़ा देते हैं। अधिक वसा व चिकनाई भरे भोजन कम से कम खाएं, ये हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि ये आपके हृदय पर भारी पड़ सकते हैं और वजन बढ़ाते हैं। तो आप भोजन स्वस्थ तरीके से बनाएं, जैसे बेकिंग करें, ब्रॉयलिंग करें, ब्रेजिंग करें, अपने खाने को स्टीम करें, पोचिंग करें, रोस्टिंग भी कर सकते हैं, स्टर फ्राई भी कर सकते हैं और सॉटे भी कर सकते हैं, जिसमें आपका तेल वसा का इस्तेमाल कम होगा। इससे आपका वजन और शक्कर खून में नियंत्रित रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर प्यास लगी है तो कोशिश करें पानी का ही सेवन करें। सोडा, फलों का जूस, मीठी चाय या कॉफी आपके खून की शक्कर को बढ़ा देंगी, तो उनसे दूर रह के पानी या चाहे तो निम्न वसा वाला दूध भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखें दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे हमने बात की थी, तो संतुलन के लिए प्लेट मॉडल का ध्यान
हमेशा रखिए जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आए कि हम ये ले सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ये जरूरी है कि भोजन हमेशा धीरे खाएं और जब तुष्टि हो जाए तो खाना बंद कर दें। भोजन की सही मात्रा आपके शरीर को वह देती है जो उसे स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो शरीर में वसा भी जमेगा और वजन भी बढ़ेगा, जो कि डायबिटीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रतिदिन जैसे राधिका ने हमें समझाया, व्यायाम करना बहुत जरूरी है, तो आप व्यायाम जरूर करें, जैसे चलना या टहलना। नियमित शारीरिक व्यायाम भी आपके खून के शक्कर को नियंत्रण में रखेगा। अभी राधिका हमें बताएंगे कि अगर घर के बाहर खाना खाना पड़ता है तो हम किस प्रकार से खाएं। तो आइए अब हम देखते हैं घर के बाहर खाना कैसे खाएं। नियमित समय पर ही खाने का प्रयत्न करें, 4 से 6 घंटे के अंतर पर। जब भी सुविधा हो घर से ही पौष्टिक नाश्ता लेकर चलें। घर से बाहर खाने की योजना पहले से बना लें। जब बाहर खा रहे हो तो भोजन के हिस्से के माप व संतुलन पर ध्यान दें। विशेष अनुरोध करें, विकल्प ढूंढें, भोजन बनाने का के तरीके को देखें, स्वस्थ पेय पदार्थ चुनें, सामूहिक भोज में सोच समझकर खाएं, धीरे खाएं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपने खून की शक्कर को खाने से पहले व खाने के 2 घंटे के बाद नापें। एक बात है कि आपको खाने से पहले आपका शक्कर का खून का शक्कर 4 से 7 मिलीमोल की अंदर होना चाहिए और 2 घंटे खाने के बाद 5 से 8 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। और अगर आपके खून की शक्कर खाने के बाद बहुत ज्यादा है तो आपने आपसे प्रश्न करें कि क्या मैंने प्रोटीन और वसा एक साथ खाया था, क्या मैंने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, क्या मैंने पर्याप्त शारीरिक व्यायाम किया था, क्या मुझे अपने स्वास्थ्य सेवा टीम से बात करनी चाहिए अपनी दवाई बदलने के लिए। तो ये सब आप ख्याल रखेंगे तो बाहर जब आप खाते हो तो आपका खून का शक्कर अच्छी लेवल पर होगी। अभी रश्मि हमको बताएगी कि अगर आपको कुछ सुझाव हो, कुछ सवाल हो, कैसे आप किसको पूछ सकते हैं। रश्मि, धन्यवाद राधिका, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप सीखते रहना चाहते हैं तो आप डायबिटीज कनाडा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनके सोशल मीडिया चैनल पर भी जा सकते हैं। किसी भी कार्य संसाधनों के लिए, उनके विशेष जानकारी के लिए आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं जो यहाँ दिया गया है, info@diabetes.ca। आप उनको चाहे तो फोन भी कर सकते हैं या फोन नंबर दिया गया है, और सीधे ही सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर से बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न है डायबिटीज के बारे में या कुछ पूछना चाहते हैं तो कभी संकोच ना करें और आप उन्हें फोन करें। एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आज जो हमने चर्चा की स्वस्थ आहार के बारे में, अपनी डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए आपको मदद किया होगा। धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।